लंबे समय के बाद इंदौर प्रेस क्लब में चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस के मालवा प्रांत के सरकारी वाहक विनीत नवाथे और इंदौर विभाग के संपर्क प्रमुख विनय पिंगले ने राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के बारे में चर्चा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। चाय पर चर्चा के दौरान सरकारी वाहक विनीत नवाथे ने कहा कि इस अभियान को लेकर बीते एक माह से योजना व बैठकें चल रही हैं। उन्होंने कहा आगामी 14 जनवरी से यह अभियान शुरू होगा। इंदौर में मजबूत कार्यकर्ताओं की बदौलत 10 दिन में अभियान हिसाब किताब के साथ पूरा हो जाएगा। ये जो अभियान है, प्रत्येक घर घर जाने का कहना आसान है, पर गांव गांव में जितने अंदर अंदर तक गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं उन तक पहुंचना, और संघ ने अगर कहा है कि प्रत्येक घर तक जाएंगे, इसका मतलब प्रत्येक घर तक जाएंगे। तो हम इसकी योजना बना करके अभी पिछले एक माह से हमारी योजना चल रही है और अलग अलग बैठकें चल रही हैं। पहले जिला स्तर की, फिर हमारे खंड हैं, खंड इकाई जिसमें जिले के अंदर 7-8 खंड रहते हैं, तहसील उस तक की, उसके बाद फिर मंडल स्तर की जो 7-8 गांव हैं उनकी, फिर हमने शोभा यात्रा निकाली, हर गांव को टच करते हुए वाहन रैलियाँ निकाली, ये हर गांव तक। ये अभी 14 जनवरी से अभियान शुरू होगा और अभियान लगभग, वैसे तो अवधि अपन ने दी है फरवरी तक की, पर इंदौर और मालवा प्रांत अपना कार्यकर्ताओं की दृष्टि से बहुत शक्तिशाली और बहुत अच्छी नीचे तक पहुंच है, इसलिए इंदौर में हमने तय किया है कि 10 दिन के अंदर सारा अभियान हिसाब किताब समेत पूरा हो जाएगा। क्योंकि हिसाब किताब एक बड़ा काम है, रसीद कट्टे आप सब जानते हैं कि वितरित होना और उसको वापिस लाना, पर इसमें पूरी व्यवस्था ऐसी बनी है कि पूरी की पूरी राशि जिस दिन धन संग्रह हुआ उसी दिन खाते में जमा हो जाए, क्योंकि इतने नगद भी आएगी कि 2000 रुपये तक तो नगद ले सकते हैं कानूनन जो है, तो जो राशि छोटे छोटे घरों घरों से कोई 10 रुपये देगा, कोई 100 रुपये देगा, तब कैश को ट्रांसफ़र करना, यहाँ से वहाँ कहीं ले जाना, ये एक बड़ा काम, इसलिए वहीं की किसी ब्रांच में उसी दिन वो जमा हो जाएगी। अपने मालवा प्रांत में लगभग 2200 अलग अलग डिपॉजिटर्स हैं जो ये काम करेंगे सारा। इन डिपॉजिटर्स मतलब जो धन संग्रह आएगा उनके डिपॉजिटर के पास आएगा और डिपॉजिटर बैंक में उसी दिन जमा कर देंगे, चेक भी वहीं जमा हो जाएगा, नकद भी वहीं जमा हो जाएगा, जो उसके कोड दिए हुए हैं, सारे व्यवस्था की हुई है, उसके आधार पर सारी राशि वो जमा होने वाली। तो मालवा प्रांत में अपने कार्यकर्ताओं की दृष्टि से हम 10 दिन में इस अभियान को पूरा करके समाप्त कर देंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य, और कोई भी घर नहीं छूटेगा, कोई भी गांव नहीं छूटेगा। कब मालवा प्रांत में कब से शुरू कर रहे हैं इसको? 14 तारीख से, 14 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू हो रहा है। संपर्क अभी चालू हो गया है, कुछ जैसे अब अभियान के लिए जो बड़ी राशि देने वाले, जो समर्पण करने वाले सक्षम लोग हैं, जैसे अभी ये बैठक ले रहा हूँ, किसी ने कहा कि मैं करना चाहता हूँ, तो कमिटमेंट लोग कर रहे हैं, जो अखबारों में छप भी रहा है कि हम इतने दे रहे हैं। रसीदें जो संग्रह खाते में जमा होगा वो 14 तारीख से जमा होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ चरणबद्ध तरीके से काम होता है, वाहन रैलियाँ निकाली जा चुकी हैं और अब प्रभात फेरी निकाली जा रही है। संदेश क्या, हमने सीधा संदेश है, जैसा उन्होंने कहा कि किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी से हम कहने नहीं जा रहे हैं कि तुमको देना ही पड़ेगा, ऐसे प्रश्न नहीं है, जिसकी श्रद्धा है, जिसकी भक्ति वो दे। हम मांगने जाएंगे नहीं, हमने तय किया हुआ है, वो आएंगे, स्वागत है उनका। और अभी वाहन रैलियाँ, अब हमारे यहाँ चरणबद्ध काम होता है, तो 25 से 28 तारीख तक वाहन रैलियाँ हमने अपने प्रांत में तय की हुई थी, वो उस समय हो गई, और उसके बाद में जगह जगह अब मोहल्लों में प्रभात फेरियाँ निकल रही लगातार, छोटे छोटे मोहल्लों में, कहीं महिलाओं की, कहीं बच्चे निकाल रहे हैं, सब चल रहा है, अलग अलग झंडा लेके निकल रहे हैं, अपनी अपनी कॉलोनी में घूम रहे हैं, वो चल रहा है। दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि किसने हमें ठेका नहीं दिया है, हमारे भगवान राम हैं और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत बोले हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति निर्माण के लिए राशि दे देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा देश का सहयोग मिले। अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपको किसने कह दिया, समर्पण का अधिकार किसने दे दिया, किसने ठेका दिया, तो किसी ने कोई ठेका नहीं दिया, हमारा भगवान राम है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उस ट्रस्ट के पावती पुस्तकों पर धन संग्रह होगा, उन जो निधि समर्पण होगा 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, क्योंकि संतों ने कहा है कि मंदिर में जो राशि लगने वाली है बहुत आसानी से बड़े बड़े उद्योगपति दे देंगे, पर भारत के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान इसमें हो, सबको लगे कि मैंने इसमें कोई समर्पण किया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का हमें उसमें योगदान लेने के लिए हम घर घर जा रहे हैं और एक एक गली गली जाएंगे। रैलियों पर हुई पथराव की घटना पर कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि देश में शांति न रहे। कुछ लोग चाहते हैं इस देश में शांति ना रहे, मंशा वही है, और ये बहुत कम है। अगर इस पथराव की घटना के बाद पूरे उज्जैन में दंगा भड़क जाता तो मानते कि ये आमने सामने की लड़ाई है ना, मुसलमानों ने भी इसको उस रूप में नहीं लिया,
आप समझिए इस बात को। कुछ लोग चाहते हैं कि आपका टकराव होता रहे, और ये प्रेम से अगर हो गया सारा काम तो उनकी दुकान कैसे चलेगी, चलेगी तब। और प्लान था वो, आप देखिए उज्जैन का वीडियो देखा होगा आपने, वो रैली जा रही है ना, लोगों ने कहा नारे लगे, अरे सामने से पथराव चालू हो गया। हमारे नारे तो अभी आपको सुनाई नहीं दिए, पथराव कैसे चालू हो गया, सुनने से पहले कैसे पथराव चालू हो गया। हम तो आप रैली देखिए, उसमें रैली जा रही है, अंदर तरफ जा रही है, और सामने से पत्थर फेंकना शुरू हो गए। कैसे हो गए, छतों से कैसे फेंकना चालू हो गए। तो किसी ने उसकी वेल कॉन्फ्रेंस ही है ये तो, मैंने प्लान्ड है वो, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी एक स्टाइल है आप काम करने की, ये दिख रही है वो वैसे ही है वो। संपर्क प्रमुख विनय पिंगले ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा संघर्ष है जो हमने देखा है। इसमें केवल एक भाव पक्ष में फिर बताना चाहूँगा कि ये सच में 491 वर्षों का जो ये संघर्ष है बहुत बड़ा, और अनेक शहादतें इसमें हुई है। हमने अपनी आंखों से 40-40 कार सेवकों को गोली खा करके मरते हुए देखा है, अनेक कार सेवकों की लाशें पत्थर बांध करके शरीर नदी में फेंकी है। इन सब लोगों की वजह से आज हम ऐसे आज मुकाम पर पहुँचे हैं जिसमें हमारी पीढ़ी उस बाबरी ढांचे को टूटते हुए देखा। अलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है उसका 2001 में जो उन्होंने एक निर्णय दिया था कि आर्कियोलॉजी की एक पूरी टीम बनाई जाए और उसकी वस्तुस्थिति जो प्रमाण अभी आपने बात की थी कि राम जन्मभूमि है या नहीं, तो 9 साल तक बाहर के विदेश के आर्कियोलॉजिस्ट आए उसमें, उन्होंने प्रमाणित किया, तो पूरे विश्व को पता पड़ा कि नहीं ये सच में राम भूमि है। यह दूसरा एक बहुत बड़ी घटना हमने देखी है, तो वो हमारे लिए सम्मान का विषय है। तीसरा जो राम मंदिर, ये राम जन्मभूमि हिंदुओं की है, राम लला की है, इसका सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक पक्षीय निर्णय दिया और उसको पूरे देश से एक पक्षी और नहीं। एक तरफा निर्णय मतलब मान करके, और उसको सबने उसको सम्मान के साथ और संयम के साथ सभी वर्गों ने स्वीकारा, तो यह भी बड़े हर्ष की बात है। और चौथा जो आज हम आंखों देखी इस मंदिर के निर्माण को हम देख रहे हैं, जिसका संघर्ष इतनी सारी पीढ़ियों ने किया है, तो यह बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक सुअवसर बोलेंगे या एक ईश्वरीय देन ही है हम लोगों को कि यह मिला है कि हम ये कर पा रहे हैं। मतलब हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि नहीं, हमारे 1,000 रुपए की वजह से या 21,000 की वजह से या 1,00,000 रुपए हमारे भी पिताजी ने या हमारे भाई ने या हमारे दादाजी ने इस राम मंदिर के लिए दिया था। बहरहाल देखें तो मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाकर सहयोग राशि का अभियान मालवा से आगामी 14 जनवरी से शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।